रेवेट में आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा रूम है उसके अंदर जो कर्टेन्स लगे होते हैं तो वो कर्टेन्स कैसे क्रिएट करते हैं रेवेट के अंदर। तो आज हम लोग दो मेथड से सीखेंगे कि जो रेवेट जो रूम के अंदर जो पर्दे होते हैं जो कर्टेन्स होते हैं वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, मेथड्स और भी हैं जिससे कि आप लोग कर्टेन्स क्रिएट कर सकते हैं इजिली। तो यहाँ पर दो ही मेथड में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एक रूम क्रिएट कर लेते हैं। रूम क्रिएट करने के बाद उस पर हम डोर्स और विंडो लगाएंगे और फिर डोर्स का जो कर्टेन बनाएंगे वो दूसरे मेथड से बनाएंगे और जो विंडोज़ का जो कर्टेन्स बनाएंगे वो दूसरे मेथड से बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रूम क्रिएट कर लेता हूँ छोटा सा। सिंपली हम वॉल को लेते हैं यहाँ से और यहाँ से रेक्टेंगुलर वाला ऑप्शन और यहाँ से मैं छोटा सा एक रूम क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह का कुछ। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे ड्रैग करके। तो ये देखिए कुछ इस तरह का रूम क्रिएट कर लिया मैंने। उसके बाद अब डोर्स और विंडो लगा देते हैं। तो डोर वाले ऑप्शन पर जा करके सिंपली थोड़ा सा बड़ा डोर लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से कुछ यहाँ पर मैंने एक डोर लगा दिया है। अब यहाँ पर मुझे एक विंडो चाहिए। तो आर्किटेक्चर पर जाएंगे फिर से और विंडोज़ वाले ऑप्शन को पिक करेंगे। अभी यहाँ पर ये विंडो काफ़ी छोटी थी, मैं यहाँ पर बड़ी विंडो लेता हूँ थोड़ी सी इस तरह से कुछ। तो आप अगर विंडो पूरी ट्रांसपेरेंट चाहते हैं तो हम लोग सीधे कर्टेन वॉल से लगाते हैं विंडो। कर्टेन वॉल से कैसे लगाते हैं तो यहाँ पर ये भी देखते हैं। 3D पर चलेंगे सबसे पहले। तो अभी देखिए जो ये फ्रंट पर आते हैं व्यू क्यूब की हेल्प से, यहाँ पर अभी देखिए जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा है। पूरे को सेलेक्ट करता हूँ मैं। अभी देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। यहाँ पर फिल्टर पर जाएंगे और यहाँ से केवल डूर वाले को अनचेक कर देंगे, वॉल्स वाला सेलेक्ट रहेगा। ओके कर देंगे इसे और यहाँ से देखिए वॉल वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। यहाँ से हम लोग इसे कर देंगे लेवल 2 तक। इसकी हाइट अब लेवल 2 तक एडजस्ट हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है वो कर्टेन वॉल। चलिए क्रिएट करते हैं। आर्किटेक्चर पर जाएंगे, सॉरी वॉल पर है हम लोग पहले से ही। वॉल पर चलेंगे फिर से तो लेवल 1 पर ही वॉल क्रिएट होगी। यहाँ पर 3D पर वॉल नहीं क्रिएट होगी, डायरेक्ट वॉल पर जाएंगे और यहाँ से कर्टेन वॉल में ले लेता हूँ। कर्टेन वॉल लेने के बाद यहाँ पर मैं जो उसका बेस ऑफसेट है वो चेंज कर देता हूँ 3 फीट से और यहाँ पर जो अनकनेक्टेड है मैं उसे कर देता हूँ। अनकनेक्टेड को यहाँ पर कर देता हूँ मैं 3 फीट से, मुझे ऊपर चाहिए तो मैं 4 फीट कर देता हूँ और इसे कर देते हैं हम लोग अप्लाई। यहाँ पर हम लोग वॉल को क्रिएट करते हैं, कर्टेन वॉल को अपनी कुछ इस तरह से 4 फीट। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, सिंपली इस वॉल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से एडिट टाइप पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है हमारा। आपको कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली इम्बेड, तो जो ये ऑटोमेटिकली ये हमारा है इम्बेड का ऑप्शन, इसको चेक कर देंगे तो जो हमारी वॉल है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। मैं आपको पहले 3D पर ले आकर दिखाता हूँ किस तरह से होता है ये ऑप्शन। तो यहाँ पर अभी देखिए हमारी कोई भी कर्टेन वॉल नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग इसे इस तरह से टैब के साथ सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट तो हो जाएगी कर्टेन वॉल हमारी, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं सेलेक्ट हो रही है हमारी कर्टेन वॉल। ये देखिए बनी हुई है। इसके लिए क्या करेंगे, इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पर जाएंगे और यहाँ पर अभी यहाँ पर नहीं होगा, हम लोग को फिर से कर्टेन वॉल को सेलेक्ट करना होगा पहले जो हमने बनाई है। वायर फ्रेम पर जाते हैं यहाँ से पहले और इस कर्टेन वॉल को सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पर एडिट टाइप वाला ऑप्शन है और यहाँ से एम्बेडेड वाले को चेक कर देंगे और इसे अप्लाई और ओके। तो ये देखिए हमारी कर्टेन वॉल बन गई है प्रॉपर। यहाँ पर शेडेड करता हूँ मैं, ये देखिए। तो यहीं पर हमें कर्टेन क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। मैं इस वाली वॉल को मैं अभी हाइड कर देता हूँ DHH से। तो मैंने इसे हाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो इजीली वे है कर्टेन क्रिएट करने का वो बताता हूँ आपको। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक्सट्रूजन की हेल्प से बनाएंगे उसे हम सबसे पहले। तो एक्सट्रूजन लेने के लिए कंपोनेंट्स वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे आर्किटेक्चर पर जा करके और यहाँ से मॉडल इन प्लेस जेनरिक मॉडल और यहाँ से ओके ओके। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूजन को लेंगे और सबसे पहले वर्क प्लेन सेट करेंगे अपना। तो वर्क प्लेन आप कोई भी ले सकते हैं, हम लोग बाद में एरो की हेल्प से एडजस्ट कर लेंगे। बस ये याद रखिएगा कि जो वर्क प्लेन लें वो हॉरिजेंटल ही हो, वर्टिकल ना हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेट अ वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, ओके। प्लेन को सेट कर लेते हैं, यहाँ से हम वॉल वाला ले लेते हैं ये। इसको लेने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से अब स्प्लाइन का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से स्प्लाइन, ये देखिए दिया हुआ है हमारा, ये वाला टूल लेंगे स्प्लाइन। और स्प्लाइन लेने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिएगा आप किस तरह से, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट थोड़ा सा अंदर जा करके कुछ इस तरह से, थोड़ा पीछे जाएंगे और इस तरह से कुछ यहाँ पर भी इस तरह से। हम इसे बाद में भी एडिट कर सकते हैं, तो मैं इसे बाद में थोड़ा सा एडिट कर लूँगा।
कंट्रोल जेड, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया था ये, फिर से क्रिएट करते हैं हम इसे इस तरह से कुछ। और यहाँ से इसे हम डबल बार स्किप कर सकते हैं या तो फिर मॉडिफाई पर क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी यहाँ से, ये देखिए। चलिए इसे थोड़ा सा बाद में एडिट कर लेते हैं हम। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले से सिलेक्ट करके थोड़ा सा पास ले आते हैं, थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं, दीवार के अंदर ना जाए हमारा। इसकी हमको एक कॉपी चाहिए, तो कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले और फिर कॉपी टूल पर जाएंगे और यहाँ से बेस पॉइंट लेंगे और हल्का सा बाहर की ओर मूव करके इसे क्लिक कर देंगे। अब आप लोग इस जो हमने दो कॉपी की है दूसरी, ये देखिए कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना हो रही हो बीच में, वरना हमारा इरर शो होगा। तो यहाँ पर ये देखिए इंटरसेक्ट हो रही है हमारी, इसके लिए क्या करेंगे, जो इंटरसेक्ट हो रही है कोई एक को पकड़ के आप इधर उधर खींच दीजिए थोड़ा सा, तो इंटरसेक्ट ये नहीं होगी। ये देखिए अब यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, वरना आपकी जो ये एरर आ जाएगा जब आप इसे फिनिश करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर प्रॉपर एक लूप बनाना है जो कि ये ज्वाइन हो जाए, जिससे कि हमारा एरर ना शो हो। तो अब हम लोग सिंपली लाइन से इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ ज्वाइन कर देंगे इसे। चलिए लाइन लेते हैं टूल यहाँ से और इसे यहाँ से इस पॉइंट तक ज्वाइन कर देते हैं। गैप नहीं होना चाहिए आपका बिल्कुल भी, ये ज्वाइन कर दिया हमने इसे। देन अब इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर मटेरियल भी दे सकते हैं, यहाँ से इसे मटेरियल दे देते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पर मटेरियल का ऑप्शन दिया हुआ है बाय कैटेगरी। मटेरियल को आप लोग पैरामीटर भी बना सकते हैं यहाँ से, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है लाइट वाली, उसमें बताया है कि कैसे पैरामीटर मटेरियल बनाते हैं। आप चाहें तो आई बटन से या तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, अगर आपको IES लाइट बनाना है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, मेरा वीडियो उस पर भी अपलोड है। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पे जा करके जो भी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए इसका मटेरियल अपलोड कर लेते हैं। बाय कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल बनाना है हमें। यहाँ पर देखिए बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू मटेरियल पर क्लिक करेंगे यहाँ से, ये देखिए। और यहाँ से ये देखिए डिफॉल्ट न्यू मटेरियल आ गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिनेम कर देंगे इसे, हमको नया नाम देना है तो हम लोग इसे कर्टेन नाम दे देते हैं। और यहाँ से एसेट्स ब्राउजर है, यहाँ से हमने मटेरियल नया क्रिएट किया था, ये देखिए इसको ओपन करते हैं। देन उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा सेकंड ऑप्शन है अपेयरेंस वाला, ये देखिए इसको इस पर डबल क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर देखिए हमारा एक मटेरियल दे रखा है फैब्रिक का, ये देखिए फैब्रिक, इस पर डबल क्लिक करेंगे। देन यहाँ से देखिए सारे हमारे क्लॉथ्स के मटेरियल शो हो रहे हैं, तो आप लोग जो भी कर्टेन लेना चाहते हैं ये मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ से मटेरियल ले लेता हूँ ये वाला, तो यहाँ पर ये देखते हैं मटेरियल आया कि नहीं आया, अभी हमारा अपेयरेंस पे जाकर चेक करते हैं, अभी नहीं आया है। ये देखिए जो नीचे जो दो एरो शो हो रहे हैं लेफ्ट राइट पर, इस पर क्लिक कर दीजिए सिंपली वहाँ मटेरियल आ जाएगा, या तो इसी पर डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मटेरियल यहाँ पर आ गया है, इसे क्लोज करते हैं हम। ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे सिंपली ग्राफिक्स पर जाकर के यूज रेंडर अपीयरेंस कर देते हैं और इसे फिनिश कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देन यहाँ पर अभी मटेरियल देखिए हमारा नहीं आया है, अभी यहाँ पर कुछ इधर हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से चलते हैं, थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कर्टेन मटेरियल हमारा बना हुआ है पहले से, जो हमने अभी बनाया था उसी पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कर्टेन मटेरियल अब आ गया है हमारा, अब इसे हम फिनिश कर देते हैं। सिंपली फिनिश करने के बाद अभी देखिए थोड़ा सा दूर है, इसे पास करते थोड़ा सा एरोस की हेल्प से, यहाँ पर ये दीवार कट कर रहा है थोड़ी सी। 3D पर चलते हैं, आप देखते हैं इसे फिनिश, और यहाँ पर देखिए 3D बॉक्स दिया हुआ है, इससे 3D करेंगे अब हम, घुमाते हैं थोड़ा सा इसे, अब इसे एरोज की हेल्प से एडजस्ट करते हैं। इस तरह से कुछ थोड़ा सा इसे ऊपर रखेंगे और इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा कर्टेन बन गया है। अब जो यहाँ पर देखेंगे आप एक एक्स्ट्रा कर्टेन लगा होता है थोड़ा सा डिजाइन टाइप का, चलिए उसको भी क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, फिर से इसी पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है एक,
तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको, लेकिन कॉपी नहीं करेंगे अभी, यहाँ पर एडिट इन प्लेस पर जाएंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब इसे कॉपी करते हैं हम। कॉपी हल्का सा बाहर ला के देखिए, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है हमारा, थोड़ा सा इधर इस तरफ एडजस्ट करते हैं इसे, अब ठीक है। देन इसकी हम लोग थिकनेस भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से कुछ। देन यहाँ से इसे हम फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी मटेरियल देखिए हमारा है वो कर्टेन ही है, अभी यहाँ पर मटेरियल इसका चेंज करेंगे हम। यहाँ पर क्रिएट न्यू मटेरियल, कर्टेन टू, यहाँ से एसेट्स ब्राउजर, एसेट्स ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपेयरेंस वाले पर डबल क्लिक करेंगे, फैब्रिक, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये मटेरियल लेस। ये देखिए मटेरियल है हमारा लेस का, लेस ले लेते हैं हम लोग। तो लेस होता है वो कैसे लगाएंगे, देखिए मटेरियल यहाँ पर अपडेट हो चुका है, अप्लाई, ओके। मटेरियल यहाँ पर देखिए कर्टेन टू आ गया है हमारा, अप्लाई कर देते हैं इसे और यहाँ से फिनिश। अब चलिए देखते हैं इस पर 3D पर, सॉरी यहाँ से 3D करेंगे, तो इस वाले बाहर वाले पर क्लिक करेंगे, फिर से बैक पर जाएंगे और इसे ऊपर कर देंगे थोड़ा सा इस तरह से कुछ। तो ये देखिए रियलिस्टिक में जाता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ मटेरियल का प्रॉपर इफेक्ट। ये देखिए कुछ इस तरह से शो हो रहा है आपको। तो ये हमारा कर्टन यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर जो रॉड होती है वो कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम लोग क्रिएट करेंगे स्वीप की हेल्प से। कैसे क्रिएट करेंगे चलिए देख लेते हैं उसको भी। टॉप पर जाएंगे तो सिंपली यहाँ पे फिर से जाएंगे आर्किटेक्चर वाले टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंपोनेंट वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, मॉडल इन प्लेस पर जाएंगे, जेनरिक मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, फिर से ओके कर देंगे। देन अब हमें चाहिए यहाँ पर एक जो हमारा लाइन होता है रेफरेंस लाइन, जिसपे हम लोग अपनी स्वीप को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर स्वीप पर सिंपली क्लिक करते हैं, ये देखिए स्वीप है हमारा सॉलिड स्वीप, क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आता है हमारा, पिक अ पाथ और यहाँ पर स्केच पाथ। तो अभी हमारे पास पाथ तो कोई है नहीं, हम लोग पाथ को स्केच करेंगे। तो स्केच पाथ हमें किस प्लेन पर करना है वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्लेन फिर से ही वॉल वाला ही लेते हैं, पिक अ पाथ, ओके। ये पाथ हमने ले लिया है, अब हमको स्केच करना है अपना पाथ। चलिए स्केच करते हैं पाथ को। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से पाथ को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ से मैं लेता हूँ इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ यहाँ पर, यहाँ से ले लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। देन यहाँ पर मैं इसे फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका एक ऑप्शन आ रहा है एडिट प्रोफाइल, अगर आपका ये ऑप्शन नहीं शो होता है तो सेलेक्ट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आपका एडिट प्रोफाइल ऑप्शन शो हो जाएगा। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर देखिए अभी हमारा माउस इरर शो हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी जो प्रोफाइल है हमारा, जो प्लेन जिस प्लेन पर हमें क्रिएट करना है प्रोफाइल, वो अभी प्लेन एडजस्ट नहीं है, तो अभी टॉप पर है। यहाँ से फ्रंट करेंगे इसे हम, यहाँ से सॉरी बैक, बैक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए हमारा क्रिएट हो। अब यहाँ पर इसकी हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, तो प्रोफाइल यहाँ पर देखिए इतनी ऊपर है, कैसे क्रिएट करेंगे तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो पाथ है ये पाथ है हमारा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं पहले यहाँ पर आपको कर देता हूँ हिडन लाइन ताकि आपको प्रॉपर शो हो। तो यहाँ पर ये देखिए प्लेन है हमारा, आप लोग यहाँ से शो प्लेन भी कर सकते हैं कि आपको किस प्लेन पे बनाना है। ये देखिए हमारा इसी प्लेन पे बनेगा, अगर मैं यहाँ पर टॉप कर देता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए हमारा प्लेन नहीं शो होगा, ये देखिए माउस बीरर शो हो रहा है। तो यहाँ से पहले प्लेन को एडजस्ट करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें क्रिएट करनी है प्रोफाइल। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग लेंगे सर्कुलर ऑप्शन, ये देखिए सर्कल का ऑप्शन लेंगे, अगर आपको सर्कल चाहिए तो सर्कल ले लीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग एक सर्कल क्रिएट करते हैं यहाँ पर 1 इंच का, या तो उससे भी कम कर सकते हैं आप, 3x4 का। देन उसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और इसे मूव करेंगे, मूव कहाँ तक हमें चाहिए, मूव करके नीचे लाते हैं एकदम सीधा, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करेंगे, यहाँ तक चाहिए मुझे यहाँ से। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे फिनिश क्लिक, देन यहाँ पर आ गया है हमारा, हम इसे फिनिश करते हैं फिनिश, और यहाँ से चलते हैं 3D पर, फिनिश करते हैं पहले इसे, यहाँ से चलते हैं रियलिस्टिक। ये देखिए ये हमारी रॉड भी लग चुकी है, तो इस तरह से आप रॉड लगा सकते हैं, आप इस पर और भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सर्कल टाइप का तो वो आपके ऊपर है, यहाँ पर भी कुछ सर्कल टाइप का क्रिएट कर सकते हैं, रिंग्स भी लगा सकते हैं इस पर। तो अभी चलिए ये मेथड हमारा इतना ही था, अब हम लोग दूसरे मेथड को क्रिएट करते हैं, कर्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो कर्टेंस है वो दो करने हैं, दो में दिखाने हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सिंपली इसी पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे एडिट इन प्लेस पर जाएंगे,
और इसी को फिर से क्लिक करेंगे और फिर इसको भी क्लिक करेंगे, दोनों को लेंगे। दोनों को लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है हमारा वाइड फॉर्म्स, इस पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइड एक्सट्रूजन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें प्लेन को सेट करना है, तो सेट वर्क प्लेन, पिक अप प्लेन, ओके। और यहाँ से इस वॉल पर क्लिक करेंगे, वॉल वाला प्लेन हम लोग लेंगे। देन यहाँ पर हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से एक छोटा पतला सा रेक्टेंगल बना देंगे ताकि हमें केवल गैप शो हो, बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना। देन इसे हम फिनिश करते हैं और फिनिश करने के बाद अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए हमारा क्रिएट हो गया है वाइड। हम लोग इसी वाइड पर क्लिक करेंगे तो वाइड तो हमारा क्रिएट हो गया है, बाहर कहीं क्लिक करते हैं पहले। अब इस वाइड को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए माउस कर्सर से, आपको एरो शो हो रहे होंगे, ये देखिए इस एरो की हेल्प से इसे बाहर कर दीजिए, थोड़ा सा बाहर कर दिया हमने। इसे हम फिनिश करेंगे तो हमारा इरर शो होगा, ये देखिए कैंसिल करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा वाइड तो क्रिएट हो गया लेकिन ये इरर शो हो रहा है, उसके लिए हम जाएंगे कट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर ये देखिए कट ज्योमेट्री ऑप्शन है, इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले वाइड को सेलेक्ट करेंगे और फिर अपनी प्रोफाइल को दोनों इस तरह से, और इसे फिनिश करते हैं अब हम। तो ये देखिए कट यहाँ पर हो चुका है प्रॉपर हमारा, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा हमने रेक्टेंगल लिया था इसलिए सॉरी, यहाँ पर एक ही में कट हुआ है, दूसरे में कट नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कट हो चुका है लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। हम लोग इसी पर जाते हैं, फिर से एडिट इन प्लेस, देन यहाँ पर वाइड को फिर से सेलेक्ट करेंगे। अभी हमें दूसरा कट करना है तो कट, यहाँ से वाइड को सेलेक्ट करेंगे, से पहले से ही कर्टन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन अब वाइड को यहीं कहीं देखिए होगा, माउस का कर्सर इधर मूव कीजिए, ये देखिए इस तरह से कुछ। अब देखिए हमारे दोनों कट हो गए हैं, फिनिश। ये देखिए कर्टेंस प्रॉपर हमारा कट हो गया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कर्टेन को आप कट कर सकते हैं टू पार्ट्स में, तो आप जो एक्सट्रूजन की थिकनेस है वो कम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सट्रूजन वाला पार्ट था कि एक्सट्रूजन से कैसे कर्टेन क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर मटेरियल भी दे सकते हैं इस पाइप का, स्टील का। तो चलिए दूसरा मेथड है, उसे कैसे क्रिएट करेंगे कर्टेन वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा मास इन प्लेस की मासिंग इनसाइड से बनाएंगे उसे हम। तो हम लोग पहले एक मास को प्लेस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे रेफरेंस प्लेन बनाएंगे, उसकी हेल्प से हम लोग क्रिएट करेंगे दूसरा वाला कर्टेन। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, मासिंग इन साइट पर जाएंगे, ये देखिए दिया हमारा ऑप्शन यहाँ पर मासिंग इन साइट, मासिंग एंड साइट पर जाएंगे। देन यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है हमारा इन प्लेस मास का, ये देखिए इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे इसे। यहाँ पर देखिए मास वन के नाम से आ गया, नाम इसका आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन हमारे हाईलाइट हैं, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पर प्लेन बनाने हैं, रेफरेंस प्लेन। तो उसका प्लेन यहाँ पर देखिए, प्लेन का ऑप्शन, रेफरेंस प्लेन का ऑप्शन तो अभी हमारा हाइड है, शो ही नहीं हो रहा। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपनी सिंपली यहाँ पर एलिवेशन पर, तो एलिवेशन किसी एक व्यू पर इसे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग ईस्ट पर देखते हैं कि हमारा कौन सा व्यू है, वायर फ्रेम करेंगे यहाँ से विजुअल स्टाइल को, यहाँ से फाइन कर देंगे इसे। तो अभी ये देखिए हमारा यहाँ पर है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर नॉर्थ व्यू में क्लिक, डबल क्लिक, फिर से वायर फ्रेम करते हैं इसे। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए हमारा कर्टेन भी प्लेस है, और यहाँ पर हम लोग इसे रियलिस्टिक करके देखते हैं। सॉरी, रियलिस्टिक करने पे ये हुआ कि ये हमारा व्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीछे वॉल आ रही है, तो वॉल को हम लोग हाइड करके देखते हैं एक बार। फिनिश करते हैं पहले इसे, सॉरी फिनिश नहीं होगा, कट कर देते हैं पहले इसे, हाइड करते हैं पहले हम इस वॉल को ताकि हमें प्रॉपर ये व्यू शो हो। तो हाइड भी नहीं कर सकते हम लोग, चाहे तो यहाँ पर हाइड करे बिना ही काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग हाइड कर देते हैं इसे कि वायर फ्रेम पे वैसे भी कट जो हमारी कर्टेन है वो दिखेगा, क्रिएट हो जाएगी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर रियलिस्टिक करके देखते हैं। ये देखिए हमारा कर्टेन इसी व्यू पर बनेगा, नॉर्थ पर। आप लोग एलिवेशन पर चेक कर दीजिएगा तभी आपका प्रॉपर यहाँ पर इसी साइड पर बनेगा, वरना अदर साइड पर बन जाएगा। तो नॉर्थ पर हम लोग हैं, हम लोगों को रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना है सिंपली, फिर उसी पर जाएंगे मासिंग एंड साइड पर, और यहाँ से इन इन प्लेस मास पर जाएंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए हमें रेफरेंस प्लेन वाला जो ऑप्शन है हमारा वो देखिए यहाँ पर शो हो गया है। चलिए रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, रेफरेंस प्लेन जितने भी क्रिएट करने हैं। हिडन लाइन, तो मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ से चाहिए कर्टेन, तो यहाँ से मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक रेफरेंस प्लेन। देन दूसरा मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, और तीसरा मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, फोर्थ वाला यहाँ पर, और फिफ्थ वाला यहाँ पर, यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब चलिए इसके बाद हमने रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर लिए हैं पांच, आप अपने अकॉर्डिंग चार पांच भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं, जैसी आपको प्रोफाइल चाहिए वैसे भी रख सकते हैं। तो अब हम लोग ये जो प्लेन है इसका नाम चेंज करेंगे,
तो नाम अभी देखिए यहाँ पर सबका क्रिएट क्रिएट टू नेम है, क्लिक टू नेम, क्लिक टू नेम, तो यही नेम आ जाएगा वहाँ पर, तो हम लोगों को क्रिएट करने में दिक्कत होगी क्योंकि सबका सेम नाम है। तो इसी पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसी रेफरेंस प्लेन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर देखिए क्लिक टू नेम आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए बॉक्स ओपन हो गया है हमारा, वन क्लिक कर देंगे, ए बी सी भी आप डाल सकते हैं और एंटर कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसका नाम चेंज हो गया है वन, दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, नाम चेंज करेंगे टू, एंटर, थ्री क्लिक, एंटर, फोर क्लिक और एंटर, और यहाँ से फाइव एंटर। तो हमने सबके नाम चेंज कर दिए हैं, अब हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हमें स्प्लाइन से क्रिएट करेंगे हम लोग प्रोफाइल, जिसे हमने उस पर क्रिएट की थी, तो स्प्लाइन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए स्प्लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वर्क प्लेस प्लेन सेट करने का ऑप्शन ओपन हो गया है, तो पिकअप प्लेन वाले पर ही क्लिक करके हम लोग इसे ओके करेंगे। सॉरी यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, हम लोग स्प्लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पिकअप प्लेन वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो प्लेन है वॉल है, तो हम लोग यहाँ पर टैब की का प्रेस करेंगे और ये जो कर्सर है ऊपर वाले जो रेफरेंस प्लेन है वहाँ पर रखेंगे और टैब की प्रेस करते हैं जब तक ये देखिए रेफरेंस प्लेन पर हमारा प्लेन आ गया कर्सर, अब ब्लू लाइन से शो हो रहा है ये देखिए। तो अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे क्लिक, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि आपको किस व्यू में प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ से 3D को प्रेफर करूंगा आपको, 3D पर, और यहाँ से ओपन व्यू, तो 3D पर हमने ये देखिए खोल लिए प्रोफाइल। अब यहाँ से मैं टॉप कर लेता हूँ इसे, टॉप करने के बाद यहाँ पर मैं हिडन लाइन कर देता हूँ इसे, देन यहाँ पर आपको किस पे बनानी है, पहले वन पे बनानी है कि फोर पे बनानी है। सबसे पहले मैं नीचे से बनाना क्रिएट करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पर देखिए सारे नाम हमारे शो हो गए हैं। सॉरी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट प्लेन आ गया है हमारा ऑप्शन एक, यहाँ पर देखिए एक एरो शो हो रहा है ड्रॉप डाउन, इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको जितने भी आपने रेफरेंस प्लेन क्रिएट किए सबके नाम शो हो रहे हैं। यहाँ से मैं सबसे पहले फिफ्थ वाले पर जाता हूँ, देन यहाँ पर सबसे पहले मुझे किसका क्रिएट करना है, वायर फ्रेम करते हैं इसे ताकि आपको विंडो शो हो कहाँ पर है ये देखिए। उसके बाद मुझे अब क्रिएट करना है रेफरेंस प्लेन, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ, सेकंड क्लिक, देन यहाँ पर थर्ड क्लिक और यहाँ पर फोर्थ क्लिक, इस तरह से आप कुछ प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे इसकी। इस तरह से अब ये देखिए इसको हटाने के लिए मॉडिफाई पर क्लिक कर दीजिए या तो डबल बार स्केप कर दीजिए, ये हमारी क्रिएट हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस प्लान पर जाएंगे और यहाँ से देखिए अब हमें किस प्लेन पे बनानी है, सिंपली अब हमें फोर पर बनानी है क्योंकि हम फिफ्थ पर बना चुके हैं, फोर्थ पर, और यहाँ से इसी के ऊपर क्रिएट करते हैं। थोड़ा यहाँ पर कर्व कम रखिएगा क्योंकि हमारा बीच का पोर्शन है ये थोड़ा सा, इसी तरह से कुछ क्रिएट कर देंगे इसकी भी प्रोफाइल। और यहाँ से इसे भी मॉडिफाई पर जाकर के डबल स्केप भी कर सकते हैं आप। अब हम लोगों को रेफरेंस प्लेन थर्ड पर बनानी है, इस प्लाइन पर जाएंगे, थर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी भी क्रिएट कर देते हैं प्रोफाइल। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं इसको, अभी आपको बाद में समझ में आएगा कैसे मैंने क्रिएट किया इसका। देन फिर से इसे मैं कर देता हूँ इस मॉडिफाई पर या डबल स्केप, फिर से इस प्लाइन पर जाएंगे, इस बार टू वाला, मॉडिफाई या डबल स्केप इस प्लाइन पर फिर से, और इस बार फर्स्ट रेफरेंस प्लेन वन, थोड़ा सा इस बार थोड़ा सही से क्रिएट करेंगे हम लोग कि हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन है। सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, इस तरह से कुछ। देन ये हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो गया डबल स्केप, हम लोग इसे बाद में भी एडिट कर सकते हैं। 3D पर चलते हैं फिर से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर 3D तो हमारा पहले से ही है, यहाँ पर 3D बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इस बार व्यू क्यूब के बगल में जो 3D आता है इस पर,
तो ये देखिए हमारे सारे रेफरेंस प्लेन यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से हिडन लाइन कर लेता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सारे रेफरेंस प्लेन को सेट करेंगे। इस तरह से सेलेक्ट कर लिया हमने सारे रेफरेंस प्लेन, देन उसके बाद यहाँ पर क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे इस वाले, और यहाँ से सॉलिड फॉर्म वाले को सेलेक्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म, देन यहाँ पर फिनिश कर देते हैं इसे। और ये देखिए ये हमारा कर्टेन क्रिएट हो गया कुछ इस तरह से। शेड पर जाता हूँ मैं पहले कुछ इस तरह का, मटेरियल नहीं इसका दे देते हैं पहले, फिर से क्लिक करेंगे इसी पर। यहाँ पर अभी देखिए मटेरियल का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है प्रॉपर्टीज पर, यहाँ पर एडिट इन प्लेस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर फिर से इसी को सेलेक्ट करेंगे, टैब के साथ सेलेक्ट करते हैं इसे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए मटेरियल का ऑप्शन शो हो गया है बाय कैटेगरी मटेरियल, क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, मटेरियल दे देते हैं इसे कर्टेन, और यहाँ से इसे फिनिश। ऊपर आप लोग इसी तरह से जिसमें मैंने इस पे बनाई थी उसी तरह से इस पे बना सकते हैं, या तो अलग से मास लेकर के बना सकते हैं, तो इसी तरह से सेम छोटा सा बना सकते हैं मास लेकर के। यहाँ से करता हूँ मैं इसे फिनिश, और ये देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करेंगे। चलते हैं फिर से अपने नॉर्थ व्यू पर, यहाँ पर देखिए जो ऊपर की लैस होती है वो कैसे क्रिएट करेंगे नॉर्थ व्यू पर, और यहाँ से दो रेफरेंस प्लेन नंबर फिर से सेट करते हैं। रेफरेंस प्लेन को सेट करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पर सही से क्रिएट भी नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए पहले थोड़ा इसे एडिट कर देते हैं इसे ऊपर वाले को, एडिट इन प्लेस, एडिट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं इस तरह से कुछ, सॉरी ऊपर क्लिक करेंगे, पहले मैं वायर फ्रेम कर देता हूँ इसे इस तरह से कुछ, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसे इस तरह से कुछ इस तरह से, दूसरे वाले को भी एडिट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से इसे एडिट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी जैसा आपको चाहिए। रियलिस्टिक कर देता हूँ मैं, देखिए आप यहाँ पर एडिट होगा प्रॉपर, यहाँ पर इस तरह देखिए एडिट हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ से मैं 3D पर दिखाता हूँ आपको फिर से, ये देखिए कर्टेन हमारा लगा हुआ है। तो मैं पहले इसे हाइड कर देता हूँ वॉल को, और राइट क्लिक पर क्लिक करके थोड़ा सा अंदर की ओर ले लेता हूँ इसे, देन यहाँ पर इसे हमारे देखिए, ये देखिए हमारा कर्टेन है, क्लिक करके इसकी भी हम लोग ये स्वीप क्रिएट करेंगे। तो इसी स्वीप पर क्लिक करेंगे, एडिट इन प्लेस पर जाएंगे, इसी पर फिर से क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्रिएट सिमिलर वाला ऑप्शन पर जाएंगे, टॉप पर जाएंगे, स्केच पाथ पर जाएंगे, प्लेन को सेट करेंगे सबसे पहले, सेट अ वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, ओके प्लेन हमारा यही वाला सेट है पहले से ही, पाथ को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से कुछ यहाँ से, ये, और यहाँ से फिनिश, यहाँ से फ्रंट पर जाएंगे, सॉरी बैक पर, प्रोफाइल क्रिएट करते हैं इसकी हम, सर्कल, एडिट प्रोफाइल, सर्कल, यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर 3x4 का क्रिएट करना है हमें, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको सेलेक्ट करके एरो की हेल्प से थोड़ा नीचे मूव कर देंगे, फिनिश कर देते हैं इसे। ये देखिए कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया मेरा प्रोफाइल, थोड़ा सा इसे आप एडिट कर सकते हैं बाद में, तो वो मैंने जल्दी जल्दी आपको तरीका बता दिया कैसे क्रिएट करते हैं, आप लोग इसे इसे भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी लेस आप चाहें तो यहाँ पर एक्सट्रूजन की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर से दूसरा वो लेकर के रेफरेंस प्लेन दो बना करके यहाँ पर छोटा सा इस तरह का मास प्लेस कर दीजिएगा तो आपका वो भी बन जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जो रिप्लाई है वो जरूर करूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।